देश की नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा में काफी क्रांतिकारी बदलाव कर दिए जाएंगे। वैसे केवल शिक्षा नीति ही नहीं बदली है, बल्कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय भी अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पहले साल 1986 में, यानी कि अब से 34 साल पहले, देश में शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद आया साल 1992, यानी उसके ठीक 6 साल के बाद, इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए, कॉस्मेटिक चेंजेस, लेकिन मोटा मोटी अगर समझे तो 34 साल लग गए देश में नई शिक्षा नीति को आते आते। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी के कई सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। तो चलिए आज आपको आसान लहजे में समझाते हैं कि देश की नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या क्या बदल गया है जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। सबसे पहली बात पढ़ाई की, यानी बच्चों के लिए इस नीति में क्या क्या है। नई नीति के तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधे सीधे तौर पर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ध्यान हो, मोदी सरकार का जोर हमेशा से स्किल डेवलपमेंट पर रहा। अब स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया गया। यानी अगर आपने स्कूल में कुछ ऐसा सीखा है जो स्किल के तौर पर गिना जा सकता है, जो रोजगार परक कहा जा सकता है, तो उसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह दी जाएगी। अभी तक क्या होता था, अभी तक आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स थे, वो सहायक पाठ्यक्रम या एक्स्ट्रा करिकुलम का हिस्सा कहे जाते थे। अब नई नीति के तहत ये मेन कोर्स का हिस्सा होगा। इस नई शिक्षा नीति में एक और अहम चीज आ गई है, वो ये कि इसमें मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। इसको आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मसलन आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और किसी भी वजह से, जैसे शादी, बीमारी, पैसों की तंगी, घर में कोई आफत आ जाने की वजह से आपकी इंजीनियरिंग अगर बीच में छूट जाती है, तो पुरानी शिक्षा नीति के तहत आपको उसका कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत अगर आपने एक साल की पढ़ाई पूरी की है तो आप सर्टिफिकेट, दो साल की पढ़ाई पूरी की है तो डिप्लोमा, और 3 से 4 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आप डिग्री के हकदार हो सकेंगे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत सबसे ज्यादा जिस बदलाव पर चर्चा हो रही है वो है शिक्षा का 10+2 स्ट्रक्चर। अब उसकी जगह नया आ जाएगा 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन सुनने में जितना टेक्निकल लगता है समझने में ये उतना ही आसान है। 10+2 तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले कक्षा 1 से कक्षा 10 तक, फिर जमा 1 और जमा 2। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को 4 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर ली गई है। पहला भाग 5, यानी कि पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 को मिलाकर एक फाउंडेशन स्टेज बना दी गई है, जिसमें 1 और 2 क्लास में भाषा और गणित पर काम करने पर जोर देने की बात की गई है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। दूसरा भाग 3, यानी 3 को क्लास 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही 4थी और 5वीं क्लास के बच्चों के लेखन कौशल, मतलब राइटिंग स्किल्स पर ध्यान देने की भी बात कही गई। तीसरा भाग फिर से 3, अगले 3 को मध्य चरण यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक बांटा गया है। इसमें 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू करने की बात है। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। और फिर 4थे भाग में कक्षा 9 से 12 को विभाजित किया गया है। इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो इस नई शिक्षा नीति के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन में अब आप किसी भी एक स्ट्रीम के अलावा उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। माने अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आपको म्यूजिक का भी शौक है तो आप उस विषय को भी साथ में पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रीम के मुताबिक सब्जेक्ट लेने पर जोर नहीं रहेगा। रिसर्च में जाने की इच्छा रखने वालों के लिए भी नई शिक्षा नीति में नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री प्रोग्राम का एक विकल्प दिया जाएगा, यानी 3 साल की डिग्री के साथ एमए करने के बाद एमफिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो सीधे पीएचडी में जा सकते हैं। इसका मतलब ये कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने अब एमफिल को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह भी आजादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर कोई दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, इसका मतलब ये कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं बल्कि देश के शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। इन सारे बदलावों के अलावा भी कुछ और बदलाव हैं जो इस नई शिक्षा नीति में किए गए।
जैसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा और साथ ही सिलेबस में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिशें भी की गई हैं। और इस नई नीति के तहत सरकार ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए। कहा गया है कि कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा, जो अब तक 4.43% हुआ करता था। साल 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक ले जाने का लक्ष्य। तो ये है देश की नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें। तो जैसा निदा फाजली साहब ने कहा है ना, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। लबोलुआब यह है कि सरकार अब किताबों के साथ साथ शिक्षा नीति में जिंदगी का फलसफा पढ़ाने की भी तैयारी कर रही है।